अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। तो मुख्यमंत्री निवास पर लोकसभावार बैठकें शुरू हो गई हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रभारी सचिव मौजूद। तो आज लगातार बैठकों का दौर चल रहा है जो कि शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। इस वक्त की अपडेट आपको दे दें कि बैठक शुरू हो चुकी है जहां लोकसभावार एक एक करके सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, लगातार सीटों पर मंथन किया जा रहा है और तमाम बड़े नेता और जो जनप्रतिनिधि हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे और प्रभारी सचिव भी वहां मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव जीतने की भी तैयारी कर रही है कांग्रेस और इसको लेकर भी लगातार अंदर खाने रणनीति तैयार की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा जब प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी आए थे तब भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि हमने जो वादे किए हैं जनता से उन वादों को सबसे पहले पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और उसका असर भी धरातल पर नजर आने लगा है। लेकिन जो अगला मिशन है वो लोकसभा चुनाव है और इसी को लेकर लगातार जो ये बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं योगेश शर्मा, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, आज की जो ये बैठकें होनी है एक एक करके तमाम सीटों पर जो चर्चा होनी जा रही है उसको कितना अहम माने? जी, आज बैठक शुरू होगी। नागौर लोकसभा क्षेत्र की पहली बैठक इस वक्त चल रही है और नागौर के जो प्रमुख कांग्रेस के नेता है उनकी बैठक अशोक गहलोत, सचिन पायलट कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता वो ले रहे हैं बैठक। और इस बैठक के जरिए लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक जो है अब वो लेने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है, योग्यता अनुसार किसे टिकट दिया जाए, ये इस बैठक में तय होगा। जी योगेश, लेकिन इसको लेकर अब लॉबिंग भी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ कुछ जगह से तो ऐसे सुझाव भी सामने आए हैं कि पैराशूटर्स को टिकट ना दिया जाए। देखिए, अभी बैठक में किसी भी प्रत्याशी के नाम को लेकर ओपनली चर्चा नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है वो पर्सनली कह सकता है, पर्ची के जरिए बता सकता है। ओपनली कोई भी कैंडिडेट उसका नाम वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। ये जो बैठक है वो ये जानने के लिए कि किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या वहाँ के लोकल इश्यूज है, कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसे वहाँ मजबूत रहे, ये तो बातें हैं, ये डिस्कशन को लेकर चर्चा में है। जी, चलिए शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। तो क्या कुछ मुद्दे रहने चाहिए इसको लेकर ये बैठक हो रही है और किन किन चीजों पर नजर रखनी है, कैसे एकजुटता बनाई जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर ये लोकसभावार बैठक शुरू हो गई है।